की कहानी के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जब दिल्ली की बात आती है, दिल्ली बस की बात आती है, तो हमें एक ही केस याद आता है, निर्भया। तो अगर कुछ शेयर करें सर उसके बारे में। एक्चुअली फिल्में कहानी पर बनती है, ये बात आप पूछ रहे हो बहुत सही है कि पिक्चर की अपने आप में कहानी होती है और कहानी बेस होता है पूरी फिल्म का। लेकिन इस फिल्म में हम लोगों ने कोई कहानी रचने या बसाने की कोशिश नहीं की है। एक इंसिडेंट है निर्भया का, उसको हमने कहानी में डालने की कोशिश की है। और इंटायर जो चार्जशीट फाइल हुई थी, अकॉर्डिंग वो चार्जशीट हमने मैक्सिमम हमारी 90% बस के अंदर है, तो वो चार्जशीट को ही शूट किया है। तो आप कहानी तो एक फिक्शन की हल्की फुल्की उसमें ली गई है, लेकिन एक इंसिडेंट, एक हकीकत, एक घटना आप इस फिल्म दिल्ली बस के जरिए देखेगी ऑडियंस। सर एज अ प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहूँगा सर, इस तरह के जब सब्जेक्ट आते हैं एज अ प्रोड्यूसर क्या दिमाग में आता है, और जब आपने फिल्म बनाने के बारे में सोचा तो मतलब बहुत सारे आई एम श्योर चैलेंजेस तो आए होंगे, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि फिल्म पूरी कैसे की जाएगी इसको, और क्या क्या रिसर्च वर्क होगा, और क्या वो सब सही होगा कि नहीं, एज अ प्रोड्यूसर आपने क्या सोचा था और कितना इन्वॉल्वमेंट था जो सच इस फिल्म के अंदर दिखाया गया उसको लेकर। फिल्म की रिसर्च वगैरह का पार्ट तो सारी भाई देख रहे थे, बाकी प्रोडक्शन में मैं उनके साथ था। पिक्चर बनाने में जितनी तकलीफ नहीं हुई जितनी ये पिक्चर को पास कराने में तकलीफ हुई। ये काम की बात है, पिक्चर हमारी सेंसर बोर्ड ने तो नकार दी थी, तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा और ट्रिब्यूनल से विद्या बालन चेयरपर्सन बन के ये फिल्म को भी देखी और छोटे मोटे मामूली कट्स देखे। हमने कट देखे, हमने एग्री की, टीम ने एग्री की थी। हां, चलो विद्या बालन ने एग्री कर ली, जो चार मेंबर थे उसके अगेंस्ट चले गए। तो उसकी वजह से फिल्म पास हुई? नहीं नहीं, उसके बाद फिर कोर्ट गई थी। हां, कोर्ट कैसे पास हुई? उसके बाद यहां एसआईटी में बैंड हो गई, तीन मेंबर ने हाथ ऊपर कर लिए। जो विद्या जी ने राउट किए कि इतनी गाली विरोध जो भी लिखा है कंटेंट में चलेगी, लेकिन तीन मेंबर ने साइन नहीं किए, तो उस कॉस्ट को लेकर हमको फिर दिल्ली कोर्ट जाना पड़ा। फिर दिल्ली कोर्ट ट्रिब्यूनल में हमने काफ़ी लंबा टाइम स्ट्रगल किए, फिर मामूली एक दो कट लेकर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किए, कंसीडर किया फिल्म को, और अब रिलीज के लिए तैयार है। 29 नवंबर को पिक्चर रिलीज है, 27 तारीख को इसका प्रेस शो होगा और 28 तारीख को इसका प्रीमियर होगा PVR में, और 29 को ऑल इंडिया रिलीज होगी। आप जिसे पूछ रहे थे एपुल जी से, तो विपिन जी को तो बस ये था कि ये सब्जेक्ट अच्छा है और ऐसे कंटेंट ऐसे सब्जेक्ट बनते हैं स्मॉल बजट में तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली एक सपोर्टिंग नेचर के आदमी है हमारे प्रोड्यूसर, तो उन्होंने इसको इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा कमर्शियली नहीं सोची, ये सोचा ठीक है यार, ठीक है, अच्छा कॉस्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे पैसा देखना ही नहीं इसमें, तुम्हारा सब कर रहे हो काम लगा दो, जो होगा देखे जाएगा, मेरे को मुनाफे के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है पैसे के बारे में, अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, काम चलता है, सबका सब आगे बढ़ते हैं, तो आए नहीं। जैसे सर ने कहा कि बनाने में इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको रिलीज करने के लिए बहुत मुश्किल है, एज अ डायरेक्टर सर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि फिल्म जो है हाई कोर्ट रिलीज कर रहा है, सेंसर बोर्ड से क्या क्या तकलीफें आई, उस बारे में अगर शेयर करें। मैं तो क्या टेक्निकल आदमी हूँ, क्रिएटिव आदमी हूँ, तो मेरे साथ और भी लोग थे, विपुल जी ने टीम भी दिए थे, हायर किए थे वकील लीगल लोग, तो ठीक है मेंटली थोड़ा बहुत हरेशमेंट होता है, धक्के खाए सेंसर बोर्ड, फिर SIT, फिर रिवाइजिंग, फिर ट्रिब्यूनल, दिल्ली फ्लाइट आना जाना, तो ये तो एक हरेशमेंट टाइप का थोड़ा होता ही है, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट करें तो आदमी फाइट करता है, लगता नहीं जंग के मैदान जब उतर गया तो वो तो फिर आखिर तक क्या आपको लड़ना पड़ता है, तो एक हिस्सा होता है। लेकिन मेन इसमें जो है विपुल जी का मामला कि आप स्ट्रगल करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, आगे बढ़ोगे, ये बात पक्की, स्ट्रगल करोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आपका, नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन ज़्यादा टेंशन उस वक्त होता है जब प्रोड्यूसर पैसा लगा कि स्ट्रगल का रिस्क इतना बड़ा नहीं है, मैं समझता हूँ जो फाइनेंस का रिस्क होता है कि इन्होंने आज तक की हिम्मत बांध के रखे पैसा लगाने इस फिल्म के लिए, तो आप इनसे पूछिए कि इनको क्या टेंशन हुआ पैसा लगाने के बाद में। सर बताइए आप ही कि क्या थोड़ा टेंशन था, फिल्म इतने साल तक फंसी रही, रिलीज नहीं हो रही, हमारी रिलीज हो जाती लेकिन कोरोना लग गया, और वो टाइम पर रिलीज होती तो अलग ही बात होती, तकलीफ ये हुई कि ज्यादा टाइम तक रिलीज नहीं हो पाई, पर अंत में बस अब रिलीज की तैयारी में है, जो स्ट्रगल था वो खत्म। तो ये थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है, राइट? 29 नवंबर। यस यस, राइट। आल्सो सर जैसे मैंने इनसे भी पूछा था कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, जब ऑलरेडी लोगों ने इस बारे में सुना है, टीवी पे देखा है, लोगों ने न्यूज पेपर में पढ़ी है निर्भया की कहानी, लेकिन जब आप बड़े पर्दे पर इस कहानी को उतारते हो तो बहुत सारे फैक्ट तो आपको
मतलब हटाना भी पड़ता है ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना हो, तो सर अगर बताए उस बारे में कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और क्या क्या एज अ डायरेक्टर एक्सपीरियंस रहा। हम तो काफी दिल्ली गए और फिर तिहाड़ जेल के मामले मामला, और एक्चुअल में इसमें एक अच्छा चीज़ ये हो गई कि जब फिल्म हमने शुरू किए तो हमारे साथ एक उड़ीसा के एसडीएम है जो लीगल चीज़ें ज़्यादा जानते हैं, वो एसडीएम पोस्ट पर है तो बेशक मतलब लीगल का तो काफ़ी नॉलेज है उनको, तो उनको भी क्रिएटिव राइटिंग का और डायरेक्शन का शौक था, तो वो क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने लीगल को बहुत स्मूथली और स्मार्टली सॉल्व किया कि भाई हम कहाँ फंस सकते हैं और कैसे किसी को हाथ भी नहीं करना, हमें भी नहीं फंसना है और किसी की भावनाओं को हाथ भी नहीं करना है, तो वो लीगल इम्पैक्ट पे ज़्यादा उन्होंने स्टडी किए और जो चार्जशीट थी उसको किस तरीके से हम इस कहानी में पढ़ सकते हैं उसको लीगल तरीके से कोई आपत्ति भी नहीं आए और कानून कोई बांधा भी नहीं आए उसका लीगल जो भी था उन्होंने देखे और इमोशन और जो पिक्चर का एक्साइटमेंट बन रहा है वो मैंने देखा उसमें। राइट, और जैसे अगर फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो क्या पुलिस गवर्नमेंट उनसे कितना सपोर्ट मिला आपको इस? नहीं, एसडीएम साहब जो हमारे थे एसके दास जिनका नाम है उड़ीसा के एसडीएम ही है, तो ये ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब ऑपरेट कर रहे थे, परमिशंस ये वो लीगल क्या हो सकता है इसमें, कहाँ हम गलत कैसे उठाना चाहिए, कब कैसे उठाना चाहिए, इवन ये ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी आई नहीं थी और जज वगैरह से जो भी था एफिडेविट भी इनके नाम से बना है एसके दास के नाम से। ओके, तो वो ज्यादा मेरे से ज्यादा कानूनी लैंग्वेज और कानूनी जो भी प्रक्रिया जानते थे, तो इसलिए हमको ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा, वो सब चीजों से उन्होंने हमको मतलब सपोर्ट किया, क्रिएटिवली भी एसके दास जी का सपोर्ट रहा पिक्चर में और लीगलिटीज पे क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए हमें वो भी उन्होंने उस पर नजर रखी, तो हम लोगों बहुत मतलब तरीके से कोर्ट से भी निकल गए, अगर कोई ना कोई अगर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती तो कोर्ट तो पास भी नहीं करती इसको, कुछ भी उठपटांग हरकत हो जाती है हमसे, बहुत सारे ख्याल आते थे एक पिक्चर बनाते टाइम आपने सोचता ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसा कर लूँ ये डाल दूँ वो डाल दूँ, लेकिन कई जगह उन्होंने इसके दास्ता में रोके कि नहीं इसमें आप फंस सकते हो, इसको करो तो इस तरीके से करो तो आसानी रहेगी लीगलिटी की भी और एक आपका क्रिएटिव इमोशन भी बने रहेंगे ऑडियंस के, तो हम लोगों ने बड़ा बच के क्योंकि क्या एक बार एक जो होता है तलवार की धार पर चलना है ऐसी कहानी को लेकर चलना है, जरा भी हिले जुले आदमी तो कुछ उठपटांग चीज़ बन जाती है या किसी की भावना आत हो जाती है, तो हमने कोशिश की है कि बेहतरीन एक मतलब मैसेज के साथ इमोशनल फिल्म बने, उस पर ज़्यादा कोशिश की है और लोगों ने सपोर्ट किया, खासतौर से प्रोड्यूसर ने हमारा सपोर्ट किया पुलिस शायद ने कि इतना पैसा लगने के बाद इतने टाइम में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर हाइपर हो जाते हैं, कभी मतलब ये हंसते बोलते रहे ठीक है कोर्ट में अटक गया, बोला मैंने कोई फ़ोन किया कि वो सेंस ऑफ अंटेमेंट कर दी तो हंस रही है, मतलब इन्होंने टेंशन नहीं लिया कि बैंड हो गया क्या आएगा पैसे का, फिर ये हो गया तो क्या हो तो जो होगा देखा जाएगा, मैंने कट मान ले तो अगर कट और मानो तुम्हारा मन मेरे को नहीं समझता, तुमको लगता है कट लॉजिकली मानना है तो मानो और डिले होती है तो मैंने आपका पैसा लगा पैसे का मूल्य तुम काम देखो क्वालिटी देखो, मतलब ये सपोर्ट मैन था हमको बिल्डिंग का। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शारिक सर के साथ में? शारिक भाई तो एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, उन्होंने पहले ही 4 फिल्में करी हुई है और बहुत अच्छे इंसान है जिसके साथ मतलब ये फिल्म के माध्यम से भी और उसके पहले से ही जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छे इंसान है और आगे भी हमारे साथ बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे। तो सर फिल्म जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई थी, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि वहाँ का एक्सपीरियंस? नहीं, वहाँ का एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको क्लिप हम होगा तो दिखाइए कि वहाँ तो जो फॉरेनर्स थे सब टाइटलिंग में थी एक्चुअली पिक्चर में, तो इतना इमोशनल कि अंग्रेजों ने भी रो दिया इस पिक्चर को देख के, उसकी बाइट्स भी हमारे पास है वहाँ के रिव्यू वगैरह, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मतलब कि वो कांस में लोगों ने मतलब बहुत हजारों सैकड़ों फिल्में गई 100 फिल्में गई इंडिया से, लेकिन हमारी ऐसी फिल्म थी जिसपे बाइट्स आई उनकी, अदरवाइज बाइट्स किसी फिल्म पे नहीं आई इंडियन फिल्म को, बाइट्स लोगों की लोगों ने इसी पे रिएक्ट किया और जो रिएक्ट किए ना वो लाइव ही मतलब रोते रोते रिएक्ट किए औरतों ने बाकी कांस में। आखिर में फिल्म जो है 29 को रिलीज होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? नहीं, ऑडियंस से बस यही कहेंगे कि हम लोगों ने बहुत तगड़ा प्रयास तगड़ी मेहनत इस फिल्म के पीछे 4-5 साल की मेहनत रिसर्च प्रोडक्शन पैसा फिर उसके बाद में कोर्ट कचहरी धक्के मुक्के खा के अल्टीमेट इस मुकाम पे पहुंच गए कि ऑडियंस के पास थिएटर के जरिए पहुँच गई पिक्चर, तो ऑडियंस को देखे अच्छी लगे तो उसको सराहे, हमारा कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि हमने हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाया है कि ऑडियंस को अच्छा लगे एक मैसेज भी लेके जाए, ये एक्चुअल में एक फिल्म नहीं है, ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा
कि आप आओ इंटरटेन करो, आप इसको एक घटना की शक्ल में देखिए और ये सोचिए कि किसके साथ, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है इस पर ध्यान दे। और हमने पिक्चर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन सब में बड़ा बदलाव जब आता है जब हम और आप देश की जनता और लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। तो पिक्चर में अल्टीमेट ये मैसेज है कि हम डिपेंड नहीं रहे गवर्नमेंट पे या सरकार पे या पुलिस पे, हम कोशिश करें कि लोग अपनी सोच बदलें, क्योंकि जो दिमाग होता है ना इसी की उपज होती क्राइम। जब दिमाग में अच्छी चीज रहेगी तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। तो बस ये पिक्चर देखिए तो ये मैसेज लेके जाएंगे, हमको ऐसी उम्मीद है और लोगों को पसंद आएगी, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पिक्चर देखें और इसको सुनाएं, यही हमारी ऑडियंस से मतलब गुजारिश है। थैंक यू सो मच। CMDO Bright Outdoor Media Limited और विपुल भाई जो प्रोड्यूसर है, मेरे बरसों से दोस्त हैं, 20 साल से उनकी सब नवरात्रि और सब फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, और सारिक भाई भी मेरे फ्रेंड है जो डायरेक्टर है, और ये बहुत अच्छी पिक्चर है और 29 को रिलीज हो रही है, तो मेरा सपोर्ट ब्राइट का हर फिल्म में रहता है। जैसे 200,000 मूवी का काम ब्राइट करता है वैसे विपुल भाई की भी पिक्चर अच्छी चले, ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस आर्टिस्ट, स्पेशल मैं इनको विश करने के लिए इनके ऑफिस आया हूँ, और भगवान करे इनकी पिक्चर अच्छी चले। सर आगे कोई कोलैबोरेशन करने का प्लान है विपुल सर के साथ? विपुल सर के साथ हर इवेंट में, हर फिल्म में, हर एक में मैं दिल साथ से जुड़ा हूँ, दिल से साथ में जुड़े हुए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेश भाई ने हमारी पहली फिल्म जो थी चांद बुझ गया उसमें सपोर्ट किया था, जब नया वाटर सिस्टम शुरू हुआ था तो योगेश भाई मेरे से मिले ही नहीं, बस फोन पे बोल दिया कि शारिक आप पवन से बात कर लो, पासा थोड़ी वो लगा देगा आपके, मतलब पासा थोड़ी उस वक्त। योगेश भाई ने बहुत लोगों को मदद करी है और योगेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र है, नवरात्रि में मुझे इतने साल से सपोर्ट कर रहे हैं और हर इवेंट में सपोर्ट किया योगेश भाई ने, इसके लिए योगेश भाई बिल्कुल सभी इंडस्ट्री के न्यू कमर को, स्टेगरिस्ट लोगों को काफी सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में, छोटी फिल्मों को खासतौर से मतलब आगे बढ़ाते हैं अपनी तरफ से हेल्प करके, तो अच्छे और हमेशा इनका साथ हमारे साथ रहा, और इस बार भी दिल्ली बस में उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा सपोर्ट होर्डिंग्स के जरिए, मीडिया के जरिए मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देंगे और हमको इसका फायदा मिलेगा। और योगेश भाई यहाँ आए हमारे लिए टाइम निकाले, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much.